हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर के बारे में, ठीक है। अब ये पैरामीटर क्या होता है, तो बच्चों ये आप लोग देख रहे हो, ये एक स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है, और वहाँ पे एक टीचर है और बाकी सब क्या है, स्टूडेंट्स है। तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं जाओ, और वो जो ग्राउंड है ना, जो प्लेग्राउंड, जो खेलने का मैदान है, उसका बाउंड्री मेजर करो, ठीक है। तब स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो देखो ग्राउंड का हमने क्या क्या नाम दे के रखा है, ए बी सी डी, ठीक है। अब हम बाउंड्री का कैसे निकालेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सारे बाउंड्री को हम लोग नापेंगे, और फिर जो जो है हम लोगों का साइड का जितना भी सारा हमारा लेंथ है यानी ब्रेथ है, हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और डी ए से, जितना भी सारा हमारा साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है ना, हम उन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उससे क्या निकलेगा, हमारा पैरामीटर। तो चलो हम करते हैं अभी। तो स्टूडेंट पैरामीटर निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी बाउंड्री है ना, साइड है, उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा ए बी कितना दे के रखा है, 20 मीटर। उसके बाद बी सी हमारा कितना है, 30 मीटर। उसके बाद सी डी देखो कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। उसके बाद डी ए कितना दे के रखा है हमारा, 30 मीटर। तो हम इन सब को क्या करेंगे, प्लस करके पता करेंगे कि हमारा पैरामीटर कितना है। तो स्टूडेंट 20 प्लस 30 50 होता है, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 30 100, यानी हमारा पैरामीटर कितना आया स्टूडेंट, 100 आया। तो स्टूडेंट हमने इस फील्ड का पैरामीटर कैसे निकाला, हमने क्या क्या, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक और डी से लेके ए तक, सारे बाउंड्री को हमने क्या किया, प्लस किया, और प्लस करके हमने कितना अपना पैरामीटर निकाला, 100, है ना। तो पैरामीटर क्या होता है, द टोटल मेजर ऑफ द होल बाउंड्री इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी हम जो पूरे बाउंड्री यानी पूरे साइड को जो हम मेजर करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट अभी मैं बताने वाली हूँ कि एरिया और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बच्चों एरिया और पैरामीटर जो होता है ना, ये दोनों अलग चीज़ है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है एक बाउंड्री के अंदर, ठीक है, एक बाउंड्री के अंदर जितना जगह होता है ना, जो स्पेस होता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो स्टूडेंट हम एरिया कैसे निकालते थे, हम एरिया निकालते थे लेंथ इनटू ब्रेथ करते, रेक्टेंगल में हम लेंथ इनटू ब्रेथ करते थे, और स्क्वायर में हम कैसे निकालते थे, साइड इनटू साइड करके हम एरिया निकालते थे। तो बच्चों अभी आपको एरिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बाउंड्री के अंदर, ठीक है, जितना भी सारा स्पेस, स्पेस यानी जगह, जो भी जितना भी ज़्यादा स्पेस या जगह होता है एक बाउंड्री के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। और स्टूडेंट ये पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है हमारा जितना भी सारा बाउंड्री है, हम उसको क्या करते हैं, उनको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, फिर ऐड करके फिर जो हमारा टोटल आंसर होता है, वही हमारा पैरामीटर होता है। तो जैसे स्टूडेंट मान लो ए बी एक बाउंड्री है, बी सी एक बाउंड्री है, सी डी एक बाउंड्री है और डी ए एक बाउंड्री है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने भी सारे बाउंड्री हैं उन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी डी, सी डी प्लस डी ए, तो इन सबको प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा ना, वही हमारा क्या होगा, पैरामीटर होगा। तो स्टूडेंट आप सभी को पैरामीटर समझ में आ गया होगा। तो पैरामीटर क्या होता है, जितना भी हमारा टोटल बाउंड्री होता है ना, तो उन सारे बाउंड्री को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, और उसके बाद जो हमारा आंसर होता है वही हमारा पैरामीटर होता है, ठीक है। तो जो बाउंड्री होता है वही पैरामीटर है, और बाउंड्री के अंदर जो जगह होता है, जो स्पेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो स्टूडेंट ये अभी हमारे पास एक शेप है, और हमें इसका क्या निकालना है, अभी पैरामीटर निकालना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो अपने बाउंड्री का नाम रख देते हैं, ठीक है। एक का नाम हो गया ए, फिर बी, उसके बाद सी, फिर डी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे बाउंड्रीज़ को ऐड कर देंगे, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो स्टूडेंट हमारा ए बी है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 5 सेंटीमीटर, सी डी है 6 सेंटीमीटर, डी ए है 5 सेंटीमीटर। तो हम इन सब को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट इन सब को प्लस करने से हमारा आंसर आता है 22। तो हमारा पेरीमीटर कितना है बच्चों, 22 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट कितना इजी है ना, तो चलो हम इस तरीके का प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका नाम रखते हैं, चलो ठीक है। इस वाले बाउंड्री का नाम मैंने रखा ए, फिर ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है। तो चलो अभी हम इसका पेरीमीटर एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को प्लस करेंगे, ए बी, फिर प्लस बी सी, फिर प्लस सी डी, फिर प्लस डी ई, डी से ई जाएगा, डी ई, फिर प्लस ई एफ, फिर ई एफ से आने के बाद वो फिर कहाँ जाएगा, जी के तरफ जाएगा, एफ जी, ठीक है। फिर एफ जी की तरफ तो गया, वो कहाँ पे जाएगा, जी एच, है ना, जी एच जाएगा ऐसे, प्लस जी एच, फिर बाद में जाके जी एच से होके फिर वो धीरे से ऊपर एच ए में जाएगा, तब जाके ये बाउंड्री हमारा ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके इधर पे ख़त्म होगा। तो हमारा ए बी देखो कितना है, 10 दे के रखा है, बी सी 4 है, सी डी 3 है, डी ई कितना है बच्चों, 3 है ना, ई एफ, ई एफ क्या होगा, 4, प्लस एफ जी कितना होगा, 3, फिर जी एच कितना है, 3, फिर प्लस एच ए देखो कितना है, 4। सबको प्लस करो, सबको प्लस करने से हमारा आंसर कितना आता है, 34। तो इसका जो पेरीमीटर यानी बाउंड्री का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 34 है। तो स्टूडेंट अब हमें इस, ठीक है, सी सी नंबर का हमें पेरीमीटर निकालना है। अब कितना ये लग रहा है ना, कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं इसको आपके लिए आसान बना दूंगी, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, नाम रखते हैं, ठीक है, ये रखते हैं इसका नाम ए, एक कोने का नाम रख दिया ए, दूसरे साइड का हमने दूसरे कोने का नाम रख दिया बी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ कोने में, इसका नाम रख दिया सी, ठीक है, इसका नाम रख दिया डी, ठीक है ना, इसका नाम रख दिया ई, इसका नाम रख दिया एफ, इसका नाम रख दिया जी, और इसका नाम रख दिया एच। तो हमने सारे अपने बाउंड्रीज का नाम रख दिया, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम अभी पैरामीटर निकालते हैं। तो अब हम पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी का लिख लेते पहले, ए बी, फिर प्लस बी सी, फिर प्लस सी डी, फिर प्लस डी ई, है ना, फिर प्लस ई एफ, फिर प्लस एफ जी, फिर प्लस जी एच, और लास्ट में प्लस हमारा एच ए, ठीक है, एच ए। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे अपनी पूरी बाउंड्री लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, कितना साइड्स है, 1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन एट, तो इसमें भी कितना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। हमने पूरा ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी से लेके ई से लेके एफ से लेके जी से लेके एच तक पूरा हमने अपना अभी एट से लेके ए तक हमने अपना सारा बाउंड्री यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे कितना है टोटल साइज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, है ना, एट है। तो यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो हमने सारा बाउंड्री लिख दिया है। अभी बस हमें नंबर पुट करके यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। ए टू बी कितना है, सिक्स है, मैंने सिक्स दे दिया। बी टू सी कितना है, फाइव है, मैंने फाइव लिख दिया। सी टू डी है हमारा टू, मैंने लिख दिया। डी टू ई है हमारा फोर, वो भी मैंने लिख दिया। फिर ई टू है एफ है हमारा टू, वो भी लिख दिया। फिर एफ जी देखो स्टूडेंट कितना है, एफ जी, एफ जी है हमारा फोर, फोर लिख दिया। जी एच कितना है, जी एच देखो स्टूडेंट टू है, मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। फिर एच ए हमारा फाइव है, मैंने फाइव लिख दिया। अब हम इन सब को जब प्लस करेंगे ना तो हमारा पेरीमीटर कितना निकलेगा, 30 सेंटीमीटर। तो कितना आसान है ना स्टूडेंट पेरीमीटर निकालना, पूरे बाउंड्री को हमें क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस करके हमें अपना पेरीमीटर निकालना है।